दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपके घर में कभी कोई दुख संकट ना आने दें। माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए, इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। साथ ही साथ जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर, जानिए खरीदारी का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपावली पर्व का विशेष महत्व होता है। दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। इस साल बताना चाहूंगा 2023 में धनतेरस का पूजन मुहूर्त शुभ मुहूर्त क्या है। तो धनतेरस का पूजन शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को शाम 5:47 से शुरू होकर के शाम 7:43 तक रहेगा। इस समय आप बर्तन भी खरीद सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो प्रदोष काल का समय है 10 नवंबर को शाम 5:46 से 8:25 तक। प्रदोष काल में अगर माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि खास तौर पर धनतेरस के दिन धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस पर ऐसा क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज ना हो। साथ ही साथ धनतेरस पर अपने घर की यह एक चीज कभी किसी को मत देना। हमने गलती से यह चीज किसी को दे दी थी तो उसका हर्जाना हमें भरना पड़ा था, लेकिन अब सब ठीक है। और हां, पर आप ऐसी गलती मत करना। धनतेरस पर ऐसी झाड़ू भी कभी मत लाना, इससे घर में धन की कमी होने लगती है। धनतेरस पर ऐसा खाना भी कभी घर में मत बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस धन का दिन यानी धन के आगमन का दिन माना गया है। इस दिन समस्त संसार में धन की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि खास तौर पर धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इस समय राहु काल होता है। राहु काल में जो लोग लोहा खरीद लेते हैं तो उसके घर में राहु काल का वास हो जाता है तथा राहु केतु का वास हो जाता है। इससे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है क्योंकि धनतेरस के दिन धन की उत्पत्ति हुई थी न कि लोहे की। इसीलिए इस दिन तांबा, पीतल, सोना, चांदी, हीरा, मोती खरीदने का रिवाज है क्योंकि धन देवता जब प्रकट हुए थे तब अपने हाथों में कीमती धातु का कलश लेकर प्रकट हुए। इसी कारण धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता। कई लोग ऐसे हैं जो धनतेरस पर बर्तन आदि खरीदते हैं, लेकिन यह शुभ नहीं माना जाता क्योंकि स्टील लोहे का ही स्वरूप है। कुदरत से बना पीतल, तांबा, सिल्वर, हीरा, मोती, सोना, चांदी ही खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो सकता है, आपके शुभ कार्य भंग हो सकते हैं। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो जानते हैं वह यह गलती नहीं करते और जो नहीं जानते वह इस दिन स्टील के बर्तन आदि खरीदते हैं। बर्तन आप किसी और दिन खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस पर भूलकर भी स्टील के बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन जितना ज्यादा हो सके घर को अच्छे से साफ करना चाहिए। याद रहे, गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें, इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में कबाड़ खाना,
टूटे फूटे बर्तन बाहर फेंक देना चाहिए या पुराने टूटे बर्तन के द्वारा नए बर्तन भी खरीद सकते हैं। घर से टूटी हुई खाट भी हटा देना चाहिए। टूटा हुआ कंघा तथा आईना और मकड़ी के जाले हटा देना चाहिए। कटे फटे जूते चप्पल बाहर फेंक देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन लोहा दान करने से शनि शांत होते हैं। धनतेरस के पर्व पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। खास तौर पर धनतेरस के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। तेल आप पहले से ही घर में लेकर रख लें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदना चाहिए। दीपावली के दिन कभी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसी कारण धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदने का रिवाज है। लेकिन आप चाहें तो दीपावली पर झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन इसका प्रभावशाली असर धनतेरस पर ही होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। दोस्तों, लेकिन याद रहे, झाड़ू की पूजा दीपावली पर ही करें और यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक का दीपावली पर या धनतेरस पर कभी न खरीदे। प्लास्टिक का झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक नहीं मानी गई है। प्लास्टिक राहु से संबंधित होती है। यदि आप प्लास्टिक का झाड़ू लेंगे, समझो आप राहु केतु को अपने घर में लेकर आ रहे हैं। आप कंगाल और बर्बाद, यानी आपका घर नष्ट हो सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन धन घर में अवश्य लाना चाहिए। धनिया धन के देवता का प्रतीक है। इस दिन गमले में या किसी माटी में धनिया के बीज डाल देने से उसमें जो हरियाली आती है उससे यह पता चलता है कि धन के देवता आपसे बहुत प्रसन्न हैं। माता लक्ष्मी आपको मालामाल करने वाली हैं, शीघ्र ही धनी बनाने वाली हैं। अब आपकी गरीबी, दुख, दर्द, बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। धनिया से निकलने वाली हरियाली में एक रुपया का सिक्का जरूर डाल दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती और संपन्नता बनी रहती है। धनतेरस का पर्व सफल हो जाता है। लेकिन याद रहे, धनतेरस के दिन धनिया कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपके घर का धन हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। भगवान धन्वंतरी आपके घर का त्याग कर सकते हैं। धर्मलोक चैनल आपको सटी और कॉपी पेन पर लिखकर जानकारी प्रदान करता है। आप हमारे चैनल में बने रहे। दोस्तों, इसे आप मामूली बात न समझें। धनतेरस के दिन कभी किसी को उधार पैसा मत देना या उधार लेना भी नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन घर का चावल कभी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि चावल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा, गणेश की प्रतिमा या कोई भी देवी देवता की मूर्ति कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके जीवन में खटास आ सकती है। धन की हानि तथा धन की कमी हो सकती है क्योंकि इस समय अपने घर की ईश्वर की कोई भी प्रतिमा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इस समय ईश्वर घर में आता है, जाता नहीं है। सच्चे हृदय से पूरा वीडियो जरूर देखना और धर्मलोक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, चाकू छुरी या कोई भी धारदार वस्तु घर में नहीं लाना चाहिए।
इन वस्तुओं का घर में प्रवेश होना बहुत ही अशुभ माना गया है। धनतेरस पर इन चीजों को कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कभी किसी से उधार पैसा मांगकर खरीदारी नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल नहीं मिलने वाला। कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व मनाना शुभ नहीं माना जाता, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उल्टा घर में धन की कमी होने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के पर्व पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन ईश्वर को भोग लगता है। धनतेरस की होती है पूजा, धनतेरस के पर्व पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे धीरे धीरे धन की हानि होने लगती है। दोस्तों, और घर में परेशानियों का आगमन हो जाता है। खास तौर पर धनतेरस के दिन खाने में धनिया बीज अवश्य डालना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है, इससे घर में धन का आगमन होता है। दोस्तों, धनतेरस के पर्व पर गाय को हरा धनिया खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। आपके जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आती। गाय को हरा चारा खिलाने से ही रोटी आदि खिलाने से धन देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दिन समस्त संसार में गाय की पूजा भी की जाती है। इस दिन गाय सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मानी गई है। इस दिन गाय की पूजा करने से करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। इस दिन गाय के चरण छूने से मनुष्य को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस समय देव शक्तियां सक्रिय होती हैं। दोस्तों, यह मौका आप कभी न छोड़े। इस समय आप जो भी मांगोगे वह मुराद अवश्य पूरी हो जाएगी। धनतेरस के पर्व पर घर में मंदिर के पास छिपकली आधी दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मंदिर में छिपकली दिखना या घर में किसी पक्षी का आना, उल्लू आदि का आना बहुत ही मंगलकारी तथा शुभ संकेत माना गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली हैं। इसे धन आने का सूचक माना जाता है। धनतेरस के दिन काली चींटियों का घर में आना तथा लंबी लंबी लाइन बनाकर या गोलाकार आकार में चींटियों का चलना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे धन की देवी माता लक्ष्मी के आने के आगमन माने जाते हैं। धनतेरस या दीपावली की रात अगर माता लक्ष्मी को अपने सपनों में देखा है या आपके सपनों में माता आती हैं, तो बहुत ही मंगलकारी संकेत माना गया है। इन सपनों को आप कभी किसी को शेयर मत करना। माता लक्ष्मी यूं ही किसी के सपनों में नहीं आती हैं। धनतेरस पर धन देवता की सवारी का घर में आना मंगलकारी माना गया है। इसे अत्यंत दुर्लभ एवं बहुत ही कम लोग देखते हैं। इसे देखना मतलब अब आपके धन के द्वार खुलने वाले हैं। भगवान धनवंतरी आपसे अति प्रसन्न हैं। समझो, आपको दुनिया की कोई भी शक्ति करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी, महादानी होने से रोक नहीं पाएगी। अब आपका बाल बाका भी नहीं होगा, इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन गाय का दिखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय को तिलक और उसके चरण अवश्य छुएं और उसे कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए, तभी ही लाभ प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन मछली को देखना अच्छा माना जाता है। इसे विष्णु का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के पर्व पर सफेद बिल्ली का दिखना अच्छा माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के पर्व पर घर के अंदर मोरपंख का प्रवेश होना अत्यंत लाभकारी माना गया है।
क्योंकि मोरपंख कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान धन्वंतरी ही भगवान कृष्ण हैं। भगवान विष्णु हैं। धनतेरस यानी धन देवता श्री कृष्ण का ही अवतार हैं। दोस्तों, इसीलिए धनतेरस पर मोरपंख जरूर लाना चाहिए। मोरपंख खरीदते समय भगवान कृष्ण का ध्यान अवश्य कर लें, उनका स्मरण कर लें। मोरपंख में महाशक्ति आ जाती है और इसे आप जहां भी रखोगे सुख और समृद्धि, यश, वैभव, चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। इससे जीवन में धन, वैभव, यश तथा माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मोरपंख इस दिन अवश्य घर में लाना चाहिए। मोरपंख नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। दोस्तों, धनतेरस के पर्व पर घर में नारियल जरूर लाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप वाकई में धनतेरस के इस पावन अवसर पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।